राजधानी लखनऊ के पीजीआई में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने जलाने पर पीजीआई थाने में 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, सुजीत, संतोष वर्मा, सलीम पर दर्ज हुई एफआईआर। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस आयुक्त ने बयान दिया। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े बताए जाते हैं ये आरोपी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारत टीवी पर। राजधानी लखनऊ के पीजीआई में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने जलाने पर पीजीआई थाने में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कल थाना पीजीआई लखनऊ के अंतर्गत कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। इससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची तथा समाज के भिन्न वर्गों में परस्पर विद्वेष और एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री सतनाम सिंह द्वारा थाना पीजीआई पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव को भंग करने, सांप्रदायिक दंगा, वर्ग विद्वेष फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के लिए अभियुक्तगण के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्तगण में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही पुलिस पूरी तरह से क्षेत्र में शांति बनाए रखने और पारस्परिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करते हुए समाज में शांति और परस्पर बंधुत्व बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अपनी बुरी मंशा से सामाजिक सद्भाव को भंग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद, हिंसा और द्वेष फैलाने का कार्य करेगा, प्रचलित विधि के अनुसार कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जाएगा।